ऐसा लग रहा है तो बादलों में जो है ना खिचड़ी पक रही है। बहरहाल अल्लाह करे कि मौसम अच्छा रहे, और जिसे कहना चाहिए कि बस अल्लाह मियाँ कल सात खैरियत के साथ बारिश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई क्या हो रहा है? मेरे साथ तो भाई वही हो रहा है जो आप लोगों के साथ हो रहा है, गर्मी बहुत शदीद है। और बाकी मैं आज जो है वो जैसे कहना चाहिए पूरे साल का जो है ना वो गर्म तरीन दिन था, और बस अल्लाह मियाँ ने जैसे तैसे करके गुजार दिया। लेकिन वो लोग भी हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं और बेचारे जिनके अपने घर नहीं हैं, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो बस यही सोच के जो है ना थोड़ा सा सब्र आ जाता है। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है? मैं बस अभी, मेरी थोड़ी देर पहले सुबह हुई है और अभी बस हम लोग नाश्ते वाश्ता करके फारिग हुए थे। इत्तेफाक से जो है वो आज मेरी मासी भी नहीं आई, उसने भी छुट्टी कर ली। अब जाहिर सी बात है गर्मी है तो उसने भी थोड़ा सा अपने घर में जो है ना वो रेस्ट वगैरह तो करना है ना, इतनी गर्मी में कौन निकलेगा काम करने के लिए बाहर, क्योंकि मौसम ही ऐसा था। जाहिर सी बात है घर से निकलना फिर स्टॉप पे आके खड़े होना ये बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए मुश्किल काम है। और फिर इतनी गर्मी में जाहिर सी बात है किसी के घर में जाके काम करना मैं कहती हूँ हिम्मत का काम है। और जो भी बाहर इस गर्मी में काम कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए यार उनके लिए हैट्स ऑफ है। हम लोग तो बहरहाल फिर भी घर में बैठे हुए हैं और वो लोग तो बाहर इतनी धूप में, जो मज़दूर हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर काम कर रहे हैं, जो कलर वाले हैं जो बाहर बिल्डिंगों पर काम कर रहे हैं, मैं तो सब यही देख रही हूँ। तो अल्लाह मियाँ उनकी हालत पर रहम करे, और बाकी ये कि अल्लाह मियाँ इस मुल्क पर भी रहम करे, क्योंकि बताया है रेड अलर्ट इन लोगों ने दिया है कि जो है वो बारिश जो है ना वो 400 mm से ज़्यादा हो सकती है कराची में। आप लोगों को पता है जब बारिश होती है तो फिर कराची में क्या होता है, हर तरफ पानी ही पानी होता है, और कुछ पानी तो ऐसा होता है जो लोगों के घरों के अंदर भी आ जाता है। तो अल्लाह मियाँ उन लोगों पर रहम करें, उन लोगों के लिए मेरी बड़ी दुआ है कि अल्लाह मियाँ उनकी हिफाजत करें। और मेरा जो है मैं बस जबकि आयल साहब को देख रही हूँ, आयल साहब जो है ना गर्मी हो रही है बच्चे बहुत परेशान करते हैं, अब मैं कब तक आयल साहब को जो है ना वो एसी में लेके बैठी रहूँ? यार एसी के बिल इतने इतने आ रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लोग बैठे हुए हैं, लोग भी ना अब तंग आ गए बेचारे लोग, क्या करें? कितना उन्होंने एहतजाज किया है बिलों के लिए, कितना बोलें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से अब अल्लाह ने ही जो करना है वो अल्लाह ही करेगा बस इन लोगों के साथ। हम लोग तो बहरहाल हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखें जिसके घर में एसी है और जिसकी जो सैलरी वाला बंदा है तो वो भी जो है ना वो एसी नहीं चला सकता, क्योंकि बिल इतने इतने ही लोग भेज रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग एसी चला सकते हैं? सिर्फ रात में एसी चलाते हैं तो उस पर भी देखें आप बिल कितने कितने आ रहे हैं। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ थोड़ा सा हब्स हुआ है, लेकिन कराची में तो ज़बरदस्त वाली जो है ना वो नहीं चल रही। बहरहाल मैं बस अब जरा क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा काम करूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करती हूँ। भाई तो क्या हो रहा है, मैं बस जस्ट अभी जो है वो खाना वाना बना कर आई हूँ। आप लोग हालत देख सकते हैं यार, बड़ी बड़ी गर्मी है, किचन में खड़े हो ना। कल हम लोग KFC चले गए थे और निकलना जो है वो बाहर होता है, तो बहरहाल मुंह का तो पूरा सत्यानाश हुआ, कैसे कोई पसीने आ रहे। मैं जो हूँ आज क्या बनाया है, मैंने क्या बनाया है आज खाना घर पे बनाया है, क्योंकि भाई कल अदनान ने जो है वो KFC खिला दिया था। अब रोज़ रोज़ तो जो है ना बाहर का खाना नहीं खा सकते, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी जो है ना अदनान वर्किंग डे में बिल्कुल भी बाहर लेके नहीं जाते। आज जो है ना मैंने बनाया है ये जो है ना अम्मी ने काट के दिया था, आप लोग जिसे कह सकते हैं पम्पकिन, इंग्लिश में कहते हैं पम्पकिन, और उर्दू में क्या कहते हैं
उर्दू में पम्पकिन को क्या कहते हैं? कद्दू। कद्दू बनाया है। तो ये जो है ना कद्दू की सब्जी है, उसको देखो वो क्यों रो रहा है। हमजा जाओ जरा उसको देखो, जरा टैबलेट छोड़ के उसको देखो। तो जो है पम्पकिन बनाया है कद्दू, तो ये अभी ने काट के दिया था। और इसका मसाला जो है ना वो मैं खुद बनाती हूँ। मसाला जो है ना बहुत आसान है, इसमें प्याज, साबुत ज़ीरा और वो लहसुन के क्लोव्स जो होते हैं वो 8-9 आप ले लें। और इसमें हल्दी है, नमक है, चिकन क्यूब वाला मैदा है और टमाटर है अच्छे खासे, और थोड़ी सी जो है ना वो डलती है, पिंच ऑफ हल्दी डलती है, और तकरीबन इसमें डालेंगे 5-6 टमाटर। वो आप लोगों ने बारीक बारीक करके इसका मसाला बना लेना है एंड देन कद्दू को कट 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 काट के इसके अंदर डाल देना। तो बस ये अभी जस्ट मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये पानी खुश्क हो गया। और ये देखिए मैंने इसमें डाली है कैरियाँ, ये देखिए ये इसमें जो है ना कैरी डली है, और कैरी से जो है इसका अरोमा आता है और बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। और इसे आप तंदूर की नान के साथ खाएं। अभी मैंने नान से मंगवाएं, हमारी तरफ मिलते हैं, वो उस पर ना मक्खन लगा के देता है तो बड़े मज़े के होते हैं, तो वो आप लोग खाएं इसके साथ। और ये ऑलमोस्ट रेडी है, इसको मैं ज़्यादा चमचा नहीं चलाऊँगी क्योंकि फिर जो है ना ये टूटना शुरू हो जाती है कद्दू की सब्ज़ी। तो ये हमारे यहाँ अक्सर बनता है, हमारे यहाँ बहुत शौक से खाई जाती है। वैसे तो इसके साथ बेसन की रोटी बनती है। इंशाल्लाह यार ज़रा ये थोड़ी सी गर्मी ख़त्म हो जाए और जिस दिन बारिश होगी ना तो उस दिन हम बनाएंगे। और इतना महंगा भी नहीं मिलता यार ये तकरीबन आप नोट करेंगे ये पूरा जो कद्दू है तकरीबन 1 किलो में लाई थी, और ये बन के भुन के इतना सा हो जाता है। और ये कितने का मिला है मुझे? 120 का मिला है, बहुत चीप जैसे मिला चाहिए प्राइस पर। और आप लोग भी बना सकते हैं लाके, बहुत मज़े का बनता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया क्या हो गया? ये आयल साहब नहा रहे थे और ये जो है ना वॉशरूम से आ गए। मैं ज़रा आयल साहब को जो है ना पैम्पर कर दूँ, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इधर आओ तुम गंदे गंदे बच्चे हो। मैं ज़रा इसको डायपर कर दूँ। नहीं अभी नहीं, अभी बैठ जाओ नीचे उतरो नीचे उतरो। ये आयल साहब को डायपर पहना दिया हमने, वो सॉरी टॉवल पहना दिया है। और ज़रा मैं आविल को डायपर कर दूँ, देन जो है चलो भैया आ जाओ, चलो 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 डायपर पहनना है, चलो 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 चलो। आयल साहब के कपड़े निकाल रहे हैं, मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी, तो आयल साहब ने कपड़े पहन लिए और अब आयल साहब चले गए हैं नींद में, नींद में जा रहे हैं। इनको निन्नू आ रही है, जाओ इसका ईफू लेकर आओ जल्दी से, जल्दी से ईफू लेकर आओ, उसका ईफू लेकर आओ। A few moments later. यार अभी ऐसा लग रहा है जैसे ना ठंडी ठंडी हवा स्टार्ट हुई है। मैं भी अपनी गैलरी में आके खड़ी हुई हूँ और जस्ट अभी जो है वो खाना फिनिश किया था, आप लोग देख सकते हैं बड़ी कोई प्यारी हवा चल रही है और मैं अपनी गैलरी में खड़ी हुई हूँ। हाय बड़ी देर बाद जो है ना ऐसी कोई ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। एक अजीब सा सन्नाटा सा है देख रहा हूँ ऊपर, अजीब सा एक सन्नाटा सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जो है ना बादलों में जो है ना वो खिचड़ी पक रही है। बहरहाल अल्लाह करे कि मौसम अच्छा रहे और बस अल्लाह मियाँ कल साथ खैरियत के साथ बारिश हो जाए। और बाकी कि घर गर्म हो रहे हैं लेकिन आप जिस तरह अपनी गैलरी वगैरह में अगर आके खड़े होते हैं तो अब ये है कि थोड़ी सी ना ठंडी हवा चलना शुरू हो गया। एक तो वैसी जो है वो सामने बिल्कुल टोटली दरख्त ही दरख्त हैं, और घर के सामने मेरे स्कूल है तो स्कूल में जाना ये इस तरह के ऐसे कोई हॉरेबल दरख लगे हुए। और वो वाला जो है ना वो जो आप लोग मेरी फिंगर की तरफ देख रहे हैं ना, वहाँ पर लाइन से कुर्बानी के जानवर बंधे हुए। जो स्कूल है ना सामने, ये जो सामने स्कूल है यहाँ पे लोगों ने, टीचर्स ने अपने कुर्बानी के जानवर ला के स्कूल में बांध दिए हैं, क्योंकि यहाँ अच्छी जगह है, थोड़ी सी कच्ची ज़मीन है और छाँव भी है दरख के सामने ना। तो यहाँ ये जो सामने देख रहे हैं आप गाड़ी के ऊपर जो दीवार है इसकी बैक साइड पे यहाँ लाइन से जानवर बंधे हुए हैं। तो जिनके जानवर हैं वो शाम में अक्सर आते हैं यहाँ पे, उनको खाना वाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, उनको देखने आते हैं। A few inches later. हाँ जी, तो बस अब हो गया है सोने का टाइम, और गर्मी की वजह से जो है ना बाहर तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, इतनी शदीद गर्मी है आज। आज हमने जो है, हालांकि हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं बाहर लेट के, इतनी जल्दी सोते नहीं है, लेकिन आज ये हुआ है
के जो है बस अपने रूम में आ गए और ये जो है ऊपर एसी हमने बना लिया बैठे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना सोने का नाम नहीं है, देख सकते हैं ये जो बंदा है ना, ये जो मखलूक है ये अभी सोते उठे, ये लाइट चला रहा था बच्चा लाइट चला, ये अभी सो के उठे तो इनका तो सोने का कोई नामो निशान नहीं। और मेरी शक्ल से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना बच्चे ये बेड़ा गलत करने वाले मेरा। फिलहाल मैं यहाँ करती हूँ व्लॉग को एंड, और इंशाल्लाह कल होगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में मुलाकात। क्या पता कल सुबह नहीं बारिश, कल सुबह शायद बारिश हो जाए, तुम चुप तो रहो जरा, शादी में जाएंगे कल, ये के मे भी बारिश हो जाए। वो देखो पीछे क्या कर रहा है वो, तो भाई ये सब तो जाना वो चलता रहेगा। और मैं जरा बच्चों को देख लूँ, यहाँ करती हूँ अपना ब्लॉग एंड, और कोई बड़ी कोई थकान हो रही है, मैं तो बहुत ज्यादा ना गर्मी की वजह से ना, हाँ अभी करेंगे अभी नीचे करो, गर्मी की वजह से जो है ना, गर्मी की वजह से तबीयत जो है ना वो डाउन हो गई है, तो हाथ में मोबाइल लेने का भी दिल नहीं चाहता, और हाथ में मोबाइल लेके कहाँ हिम्मत होती है इंसान बोले। फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चाहे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल होगी आप लोगों से मुलाकात। ओके जी।